हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटीग्रेशन बिटवीन सीयूसीएम एंड यूनिटी। सो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट सीएसएस पार्टीशंस इन द फॉन कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन कि वो कैसे अपना वॉइसमेल प्रोफाइल पे भी जाता है। तो वॉइसमेल प्रोफाइल के बाद की चीज़ें क्या क्या होती हैं, क्या क्या नहीं होता, वो सब हम चीज़ें आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा है मेनली इंटीग्रेशन बिटवीन सीयूसीएम एंड यूनिटी। तो इसमें हमारा इंटीग्रेशन होता है दो टाइप से, लाइक आपका एससीसीपी एंड सिप, कि आप जो इंटीग्रेशन करते हैं वो आपका एससीसीपी और सिप की हेल्प से होता है। तो मेनली अब क्या क्या डिफरेंस क्या है मेनली एससीसीपी और सिप में। एससीसीपी आपका जो है मेनली उसमें हम क्या करते हैं, मेनली आपके होते हैं वो पोर्ट्स क्रिएट होते हैं। जब जैसे आप सीयूसीएम साइट पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें हम एससीसीपी में क्या करते हैं, एक वीएम पोर्ट्स बनाते हैं। लाइक ये, हाँ, देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन वीएम पोर्ट्स ऑन सीयूसीएम एंड यूनिटी कनेक्शन। तो जो भी आपकी कॉल यूनिटी से सॉरी कॉल मैनेजर से यूनिटी पे जा रही है, वो आपकी इन पर्टिकुलर वॉइस मेल पोर्ट्स से जाती है। और जो सिप है आपका, सिप में आपका क्या होता है, हम एक सिप ट्रंक क्रिएट करते हैं। उसमें क्या होता है, एक सिप ट्रंक होती है आपकी, तो जो भी आपकी कॉल्स जा रही हैं थ्रू सीयूसीएम टू यूनिटी, वो एक सिप ट्रंक के थ्रू जाती है, राइट। उसमें हम एक सिप ट्रंक डालते हैं, सिप ट्रंक में हम डेस्टिनेशन एड्रेस यूनिटी का डालते हैं। तो जो भी आपकी कॉल जाएगी वो सब सिप के केस में सिप ट्रंक के थ्रू जाएगी। हम कई जगह पे एसएससीपी यूज करते हैं, किसी जगह पे सिप यूज करते हैं, बट अगर एक आप रिकमेंडेशन की बात करें तो एससीसीपी इज गुड वन, बिकॉज उस पर आपकी ट्रबल शूटिंग ईजी होती है, राइट। ट्रबल शूटिंग ईजी, क्योंकि जब आपकी कोई कॉल अगर आपकी चल रही है, आपको अगर उस कॉल में कुछ इशू है, आपको पता होगा कि इस वॉइस मेल पोर्ट से गई है, तो आप उस पर्टिकुलर वॉइस मेल को चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ, ये वाला पोर्ट से गई है, इसमें ये इशू है, ये नहीं है। सिप के केस में क्या होता है, आपकी एक ही ट्रंक है, अब उस पर 50 कॉल्स गई हैं, अब उसमें से आपको फिर आइडेंटिफाई करना, ट्रबल शूट करना, तो थोड़ा सा एससीसीपी के कंपैरिजन में सिप में थोड़ा मुश्किल होता है। और जो आपकी एमडब्ल्यूआई की इंटीग्रेशन है वो थोड़ा सा ईजी है आपके एससीसीपी में, आपके सिप में थोड़ा सा अलग होता है, उसमें एमडब्ल्यूआई वाला सीन नहीं है, उसमें नोटिफाई मैसेजेस होते हैं। लाइक आपके एससीसीपी में क्या है, एमडब्ल्यूआई वर्क इन दिस इंटीग्रेशन इज मच सिंपलर, वी हैव एमडब्ल्यूआई ऑन ऑफ एक्सटेंशन व्हिच इज सिंपल टू ट्रबल शूट। इसका मतलब जो आपका एमडब्ल्यूआई का जो काम है इंटीग्रेशन, वो काफी सिंपल होता है आपके एससीसीपी में। और जो हम एमडब्ल्यूआई ऑन ऑफ एक्सटेंशन बनाते हैं वो एक बहुत ईजी होता है ट्रबल शूट करने के लिए। हम क्या करते हैं, एक हम एमडब्ल्यूआई ऑन का नंबर बनाते हैं, एक हम एमडब्ल्यूआई ऑफ का नंबर बनाते हैं। हमने वो नंबर बनाए, वो हमें नंबर हम वो नंबर बनाते हैं सीयूसीएम में और हम डालते हैं यूनिटी में भी। जब आप यूनिटी में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इंटीग्रेशन के लिए, तो वहां पे आपको एमडब्ल्यूआई ऑन एमडब्ल्यूआई ऑफ एक्सटेंशन डालना पड़ता है। इसका मेन पर्पस क्या है एमडब्ल्यूआई ऑन ऑफ का, एमडब्ल्यूआई इज मैसेज वेटिंग इंडिकेटर। तो जैसे ही आपके फोन पे वॉइस मेल आया कोई, ये क्या करेगा, आपके फोन पे एक रेड लाइट होती है, उसको ऑन कर देगा। दैट मीन्स एमडब्ल्यूआई इज ऑन नाउ। और जैसे ही आप मैसेज रीड करते हैं, कोई आपका वॉइस मेल आया, आपने एक्सेस किया, रीड किया, सुन लिया, उसके बाद जैसे डिस्कनेक्ट किया, एमडब्ल्यूआई ऑफ हो जाएगा, यानी आपका वो जो रेड सिग्नल है वो ब्लिंक करना बंद कर, ब्लिंक नहीं करता, एक हाईलाइट रहता है, तो वो एक बंद हो जाएगा। अब कुछ केसेस में होता है ऐसा कि आपका एमडब्ल्यूआई है, चल रहा है, बट आपके पास कोई नए मैसेजेस, बट नए मैसेजेस तो कोई भी नहीं है आपके पास। हमारे एम डब्ल्यू आई में मेन क्या चीज़ होती है, जैसे कि आपका फोन है पर्टिकुलर वहाँ पे, उस पर अब रेड लाइट ऑन हो गई है, बट आपके पास कोई नया वॉइस मेल नहीं है, या आपने वॉइस मेल रीड कर लिया जो आपका नया था बट वो ऑफ नहीं हो रही। तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, जो आपका एम डब्ल्यू आई ऑन ऑफ एक्सटेंशन आपने बना रखा है, समझ लो आपने बनाया 4 डिजिट्स का, 1451, तो आप जैसे ही डायल करेंगे, ये हमने M1451 बनाया MWI ऑफ करने के लिए, तो आप जैसे ही 1451 डायल करेंगे अपने फोन से, वो MWI ऑफ कर देंगे, आपकी रेड लाइट विल बी गॉन, रेड लाइट फिर आपको शो नहीं होगी। तो मेनली हम ये बनाते हैं MWI ऑन एंड ऑफ इसके लिए, कि आपको इंडिकेट करने के लिए नए मैसेजेस हैं, पढ़ लिए तो आपने वो हट जाएगा। उसके बाद हमारा आता है सिप। सिप में आपके जो यूज होते हैं, जो यूनिटी कनेक्शन है वो यूज करता है सिप नोटिफाई मैसेजेस आपके, उसको ऑन और ऑफ करने के लिए एमडब्ल्यूआई को।
सिर्फ नोटिफाई मैसेज भेजता है। सिर्फ नोटिफाई मैसेज में क्या कहेगा कि भाई ऑन कर दो, फिर सिर्फ नोटिफाई भेजेगा भाई इसको ऑफ कर दो। तो इसमें होते हैं सब्सक्राइब, पब्लिश, ये मैसेजेस जाते हैं आपके। उसके बाद मेन चीज आती है आपकी एससीसीपी कॉन्फ़िगरेशन ऑन सीयूसीएम साइड। हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑन यूनिटी साइड एज वेल, या कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिप एज वेल, कि हमें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या क्या नहीं करना। तो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे एससीसीपी कॉन्फ़िगरेशन सीयूसीएम साइड पे, कि क्या क्या कॉन्फ़िगर हमें करना पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए सीयूसीएम पे। तो इसमें अब हमारी दो चीज़ होती हैं। अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वॉइस मेल प्रोफाइल, पायलट, हंट लिस्ट, लाइन ग्रुप, वॉइस मेल पॉट्स। तो ये एक आपका पूरा पाथ होता है कि जैसे आपकी कॉल आई, आपके फ़ोन पे कॉल आई, उसके बाद हमने कर दिया, हमने एक, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने एक वॉइस मेल प्रोफाइल सेलेक्ट की थी डिफ़ॉल्ट, बट अब हमें वो वॉइस मेल प्रोफाइल अब जैसे यूनिटी पे भेजनी है, हम अपनी एक नई वॉइस मेल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जो कि ये है वॉइस मेल प्रोफाइल। क्रिएट करी वॉइस मेल प्रोफाइल पे क्या होगा, फिर वॉइस मेल पायलट नंबर, ठीक है, फिर जो वॉइस मेल पायलट नंबर है हम उसी का हंट पायलट भी बनाएंगे, तो हंट पायलट, फिर हंट पायलट के अंदर आपकी होती है हंट लिस्ट के अंदर होगा आपका लाइन ग्रुप, जो आपको बनाना पड़ेगा लाइन ग्रुप, और लाइन ग्रुप के अंदर वॉइस मेल पोर्ट्स होंगे जिसके थ्रू हमारी कॉल जाएगी यूनिटी पे। तो ये हो गया आपका कॉल राउटिंग, की आपकी अगर कॉल यूनिटी पे जा रही है सीयूसीएम से कैसे जाएगी, और जब अगर आपको ये चीजें कन्फिगर करनी है तो कैसे करोगे, कन्फिगर आप यहाँ से करोगे उल्टा। क्यों? क्योंकि जब आप वॉइस मेल पोर्ट्स आपका पहली चीज है क्रिएट करने की, ठीक है, उसके बाद आप लाइन ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस लाइन ग्रुप के अंदर ऑप्शन होएगा वॉइस मेल पोर्ट्स सेलेक्ट करने का। अब आप हंट लिस्ट जब बनाएंगे तो हंट लिस्ट के अंदर ऑप्शन होगा लाइन ग्रुप सेलेक्ट करने का, और जब आप हंट पायलट बनाएंगे हंट पायलट में ऑप्शन होगा आपको हंट लिस्ट सेलेक्ट करने का। हम यहाँ हंटिंग क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताऊंगा मैं, अभी डिस्कस करेंगे। और जो आपका हंट पायलट नंबर है और वॉइस मेल पायलट नंबर है, ये दोनों नंबर होने चाहिए सेम। क्यों? क्योंकि कॉल तो आपकी वॉइस मेल प्रोफाइल के बाद वॉइस मेल पायलट पे आ रही है, मैं हंट पायलट नंबर बना रहा हूँ मेन, तो वो सेम होना चाहिए तभी वो उसको हिट करेगा। अब मैं हंटिंग क्यों कर रहा हूँ इसमें, तो अब जैसे कि मेरे पास कॉल आई, उसके बाद मेरे पास 10 वॉइस मेल पोर्ट्स हैं, मैंने 10 बना रखे हैं, तो उसको अब क्या पता कि मुझे किस पे जाना है, किस पे नहीं जाना, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, मुझे क्या एल्गो लगाना है, क्या मुझे हर किसी पे जाना है, या मुझे फर्स्ट पे जाना है, सेकंड पे, कि सर्कुलर जाना है, तो ये हमारा होता है एक प्रॉपर एल्गो। तो हम हंटिंग कर रहे हैं मेनली, तो जैसे ही कॉल आई मैंने ये पाथ बना दिया कि फर्स्ट कम वाली चीज मैंने बना दी। समझ लो अभी मैं आपको लैब में दिखाऊंगा कि इसमें एल्गो कौन से होते हैं। एक ब्रॉडकास्ट होता है, जैसे इसमें आपको यूज करने का कोई सीन है नहीं, तो इसमें एक आपका एल्गो होते हैं सर्कुलर होता है, या फिर टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन में अप्रोच में आपको क्या होगा, आपके 10 वॉइस मेल पोर्ट्स हैं, फर्स्ट पे कॉल आई, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर सिक्स पे, तो ऐसे कंटिन्यू चलती रहेगी टॉप डाउन अप्रोच। और आपके सर्कुलर होता है कि पहले फर्स्ट पे आएगी, उसके बाद चाहे फर्स्ट अवेलेबल हो या ना हो, फिर सेकंड पे ही जाएगी, फिर थर्ड पे जाएगी, ये होता है सर्कुलर। टॉप डाउन में होगा कि पहला है, अगर अवेलेबल है तो पहले से ही जाएगी, दूसरे पे तब जाएगी जब पहला अवेलेबल नहीं है। अगर कोई कॉल समझ लो साइमल्टेनियसली 3 कॉल चल रही है वॉइस मेल पोर्ट्स पे, फर्स्ट पे भी चल रही है, ये आपका फर्स्ट है, सेकंड पे भी चल रही है और थर्ड पे भी चल रही है। अब जैसे ही तीनों में से किसी एक की कॉल डिस्कनेक्ट, समझ लो फर्स्ट वाले की कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, वो वॉइस मेल पोर्ट्स अब फ्री हो गया, तो अब जो नेक्स्ट कॉल आएगी वो फर्स्ट पे आएगी टॉप डाउन अप्रोच में। और सर्कुलर में क्या होगा, सर्कुलर में आपकी ये कॉल इस पे चल रही है, इस पे चल रही है, अब ये चाहे कॉल डिस्कनेक्ट हो गई तो भी ये फोर्थ कॉल जो आएगी वो फोर्थ उस पे जाएगी पोर्ट पे, वो ये सेलेक्ट करेगा। ये होता है आपका सर्कुलर अप्रोच। टॉप डाउन में जो फ्री मिला सबसे पहले उस पे जाएगी, टॉप से बॉटम, ऐसे होता है आपका वॉइस मेल पोर्ट्स में। तो अब इसमें आपको क्या क्या चीजें कन्फिगर करनी है, आपको मेन सबसे पहले वॉइस मेल प्रोफाइल कन्फिगर करनी है, फिर आपका वॉइस मेल पायलट कन्फिगर करना है, दैट मीन्स सॉरी ये राउटिंग को आता है, कन्फिगरेशन में वॉइस मेल पायलट करोगे और वॉइस मेल पायलट नंबर को आप वॉइस मेल प्रोफाइल में डालोगे, और जो वॉइस मेल प्रोफाइल है उसे हम डालते हैं अपने फोन पे, जो कि हमारे फोन पे जो डिवाइस लाइन पेज है, लाइन पेज पे प्रॉपर वॉइस मेल प्रोफाइल का ऑप्शन है जहां पे हम डालेंगे ये वॉइस मेल प्रोफाइल। तो ये है आपकी कॉन्फ़िगरेशन सीयूसीएम में, कि आपको कैसे कैसे चीज़ें क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या हमारा कॉल राउटिंग पाथ होता है, कैसे हमारी कॉल सीयूसीएम पे पहुंचती है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी एटलीस्ट थ्योरी पार्ट से।
मैं डिस्कस करूंगा इसके लिए लैब भी। मैं लैब में आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि हम वॉइसमेल पॉड्स कैसे क्रिएट करेंगे, लाइन ग्रुप, हंट लिस्ट, हंट पायलट, वॉइसमेल पायलट, वॉइसमेल प्रोफाइल, हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। आई होप आपको हंटिंग का भी आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि हंटिंग मेनली होता क्या है। हंटिंग इवन हम ये भी यूज कर सकते हैं, आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपकी कंपनी में अगर कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हम वहाँ भी हंटिंग यूज करते हैं। अब हंटिंग में वहाँ पे मेरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में समझ लो 20 बंदे हैं, तो अब मैं वो 20 नंबर उनको असाइन होंगे, तो मैं वो 20 के 20 नंबर तो नहीं दे सकता ना यूजर्स को जो मेरी इंप्लॉइज हैं कंपनी में, कि यार ये 20 नंबर हैं, आप किसी पे भी ट्राई करो कॉल मिले। मैं एक ट्रांसपोर्ट का अपना नंबर तो एक ही रखूंगा, जैसे मैंने एक ही नंबर रखा अपने ट्रांसपोर्ट का, फिर मैं वो नंबर बनाऊंगा एज अ हंट पायलट नंबर। फिर उस हंट पायलट में होगा हंट लिस्ट में लाइन ग्रुप में आपके वो नंबर्स होंगे जो कि मेरे 20 पर्टिकुलर बंदे हैं वहां पे, उनके नंबर्स होंगे। तो हंटिंग में हो गया, उसमें फिर मैं एल्गो लगाऊंगा, जो मुझे एल्गो लगाना है मैं वो लगाऊंगा। लाइक सर्कुलर मैं चाहता हूँ सारे एक साथ रिंग करें, कोई भी एक नंबर है तो जो भी अवेलेबल होगा वो फोन उठाएगा और कॉल बाकी के साथ डिस्कनेक्ट। तो जैसे ही मैं अगर लगाता हूँ ब्रॉडकास्ट वाला, तो सबके फोन बजेंगे, एक ने उठाया, सारे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट। तो अलग अलग वहां पे एल्गोज होते हैं, वो में डिपेंड करता है अपने पे कि हमें कौन सा एल्गो यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारी सिप कॉन्फ़िगरेशन। हमें COCM की साइड पे क्या करनी होती है अगर हम सिप एज अ सिप इंडिकेशन यूज कर रहे हैं, तो मेन यही पाथ आपका है कि रो राउटिंग वाला पाथ है आपका, वॉइसमेल प्रोफाइल तो आपकी होगी होगी, पहले उस पर हिट तो करना ही करना है, और वॉइसमेल पायलट भी होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हम पहले क्या बनाते थे जो कि वॉइसमेल पायलट था, उसके साथ हम बनाते थे हंट पायलट। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे अलग अलग वॉइसमेल पोर्ट्स थे। वॉइसमेल पोर्ट्स का मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन क्रिएट होते हैं, वो मैं आपको शो करूंगा लैब में। तो वॉइसमेल पायलट हमने बना दिया, अब मुझे हंटिंग तो नहीं करनी क्योंकि एक की सिप ट्रंक है ना मेरी, तो उसके अंदर जो इंटरनली चल रहा है वो अलग बात है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सिप ट्रंक बनाऊंगा और एक बनाऊंगा राउट पैटर्न। राउट पैटर्न कैसा होगा, जो मेरा वॉइसमेल पायलट नंबर होगा वो उसको हिट करे, प्रॉपर हिट करे, ताकि वो उस राउट पैटर्न पे जाए। फिर उस राउट पैटर्न पे मैं डाल दूंगा अपनी सिप ट्रंक जो कि मैंने बनाई है यूनिटी पे जाने के लिए। तो जैसे ही वो सिप ट्रंक को हिट करेगा, दैट मीन्स वो पहुंच गई कॉल यूनिटी पे। अब कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो कैसे करेंगे, मैं पहले सिप ट्रंक क्रिएट करूंगा, और सिप ट्रंक क्रिएट करने के लिए मुझे दो चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। पहले एक होती है सिप प्रोफाइल और एक होती है मेरी सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल। तो ये आपको दो प्रोफाइल्स क्रिएट करनी पड़ती हैं पहले सिप ट्रंक बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये सिप प्रोफाइल बनाई, सिप ट्रंक सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाई, आप सिप ट्रंक बनाएंगे, सिप ट्रंक के अंदर आप ये सिप प्रोफाइल और सिप सिक्योरिटी प्रोफाइल डालेंगे। ठीक है, फिर आप बनाएंगे राउट पैटर्न। क्यों? क्योंकि राउट पैटर्न में आपको सिप ट्रंक डालनी है। ठीक है, आपने राउट पैटर्न में सिप ट्रंक डाली, आपका वॉइसमेल पायलट नंबर आप बनाओगे, और वॉइसमेल पायलट को नंबर को आप डालोगे वॉइसमेल प्रोफाइल में, और इस वॉइसमेल प्रोफाइल को आप डालोगे आपके फोन के लाइन पेज पे। राइट, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि कैसे हम कन्फिगर करना है। कन्फिगर आपको उल्टा करना है नीचे से, और राउटिंग होगी आपकी ऊपर से नीचे। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन, एंड ये कॉल राउटिंग। कॉन्फ़िगरेशन सिप ट्रंक पहले बनानी है, फिर राउट पैटर्न, फिर वॉइसमेल पायलट और वॉइसमेल प्रोफाइल, क्योंकि राउट पैटर्न उसी हिसाब से ही बनेगा जो आपका वॉइसमेल पायलट आप बनाओगे। और सेम राउटिंग के केस में भी यही है, आपको उल्टा करना है इसमें। वॉइसमेल प्रोफाइल मतलब ये आपकी ऐसे राउटिंग होगी, वॉइसमेल प्रोफाइल को हिट करेगी पहले, फिर वॉइसमेल पायलट को हिट करेगी, वॉइसमेल पायलट में जो नंबर होगा उसका देखेगा राउट पैटर्न बना हुआ है, राउट पैटर्न पे हिट करेगी, फिर राउट पैटर्न पे देखेगी वो सिप ट्रंक को हिट करेगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन ऑन COCM साइड ऑन द सिप। नेक्स्ट है आपकी SCCP और सिप, दोनों कॉन्फ़िगरेशन यूनिटी भी साइड पे। ये आपके ऑलमोस्ट सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। आपको वहाँ पे ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट जरूर करनी है चीज़ें कि आप एज अ SCCP कर रहे हो, एज अ सिप कर रहे हो। तो मेन डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा, जब आप SCCP सेलेक्ट करेंगे तो वो MWI ऑन ऑफ नंबर पूछेगा एक्सटेंशन, सिप के केस में वो नहीं पूछेगा, क्योंकि सिप के केस में मैसेजेस जाते हैं, सिप नोटिफाई मैसेजेस। तो मेन चीजें आपको क्या करनी है, यूनिटी साइट पे आपका फोन सिस्टम है, आपको फोन सिस्टम पे जाना है, क्रिएट करना है एक नया फोन सिस्टम। फिर उसके बाद फोन सिस्टम के अंदर होंगे पोर्ट ग्रुप्स, आपको नया पोर्ट ग्रुप क्रिएट करना है, और COCM का IP डालना है, कम्युनिकेशन की आपकी कौन सी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी। ठीक है, उसके बाद होंगे आपको वो पोर्ट्स क्रिएट करने हैं, क्रिएट द नंबर ऑफ पोर्ट्स, कितने आपको पोर्ट्स चाहिए।
जो कि आपने जैसे वहां पर भी क्रिएट करे हैं आपके पोर्ट्स, सीओसीएम में 10 पोर्ट्स क्रिएट करें, तो यहाँ पे भी आप 10 सेलेक्ट करोगे तो ये 10 पोर्ट्स क्रिएट कर देगा, ताकि इनके बीच में कम्युनिकेशन होगी। जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपने सीओसीएम आईपी डाला, नंबर ऑफ पोर्ट्स क्रिएट कर दिए, तो ये आपको प्रॉपर सीओसीएम पे दिखेगा कि वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये आपकी यहाँ पे कन्फिग्रेशन होती है कंप्लीट, जो कि थ्योरी पार्ट है एससीसीपी एंड सिप इंटीग्रेशन बिटवीन COCM एंड यूनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लैब, मैं उसमें आपको शो करूंगा कि हमें कैसे चीजें कन्फिगर करनी है, पहले उसका कॉल राउटिंग पाथ क्या है जो कि हमने आज थ्योरी में डिस्कस किया है, फिर उसके बाद हम यूनिटी पे भी करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, एससीसीपी की भी करेंगे, सिप की भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे दोनों साइड पे, COCM पे भी एंड सिप पे भी। उसमें मैं आपको शो करूंगा कि टेलीफोनी में जाना है आपको, पोर्ट ग्रुप्स ऐड करने हैं, पोर्ट ऐड करने हैं, और कैसे ये उसमें शो करेगा कि ये रजिस्टर हो गए। आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको एक लेक्चर पसंद आया और आपकी न्यू आपको नई नोटिफिकेशंस चाहिए मेरे नई अपकमिंग वीडियोस के लिए, देन प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे मेरे अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। थैंक यू।